हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी फुल सॉल्यूशन। आज का जो आपका एग्जाम हुआ है बायोलॉजी का, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। आज मेरे पास बहुत से बच्चों का फोन आया, बहुत से ने बताया कि किस तरीके से एग्जाम हुआ, कौन से क्वेश्चन में उन्हें प्रॉब्लम्स आई, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से सही हैं, क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, हर एक चीज को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहना। और यूपी में जो एग्जाम हुआ है, आप सभी यूपी वालों के जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, वो आप देख लीजिए इस सॉल्यूशन को, आपके बहुत काम आएगा। आपको आइडिया लग जाएगा आपने जो क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, क्या वो सही किए हैं या गलत किए हैं, अगर किए हैं तो किस तरीके से किए हैं, और उनमें क्या लॉजिक था वो भी मैं बताने वाला हूँ। बहुत से बच्चों का फोन आया था कि बहुत से बच्चे डरे हुए हैं कि हमारे इतने नंबर आ सकते हैं, बहुत से बच्चे ये कहे थे कि पेपर आसान है, बहुत से कहे थे कि पेपर बहुत ईजी है। तो मैं बताऊंगा पेपर ईजी हार्ड का, हर एक चीज की जो क्वेश्चंस का जो मेथड है वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, वास्तव में पेपर इजी था या हार्ड था। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो आप लोग चेक करना और मुझे बताना आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहले नंबर का है जल परागित पादप का नाम है, चार ऑप्शन मिले थे, हाइड्रिला, मटर, नींबू, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें हाइड्रिला जो है इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर का है खा, इनमें से कौन सा कूट फल है, कूट फल को झूठा फल या असत्य फल बोलते हैं, सीट में मैंने बता रखा है, सेब, स्ट्रॉबेरी, कटहल, ये मैंने आपको बता रखे हैं, तो आपने अगर वीडियोस देखी हैं तो आपको फायदा मिला भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तीसरे नंबर का है गा, निम्न सॉरी भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो भ्रूणपोष में गुणसूत्र की जो संख्या होती है ना, वो होती है त्रिगुणित। कैसी होती है? त्रिगुणित, ठीक है। अगला नेक्स्ट है, त्रिगुणित का मतलब 3x से है। नेक्स्ट है घा, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था जब मैंने आपको इस सीट बनाई थी कि एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार पराकण बनते हैं, पराकण को लघु बीजाणु भी बोलते हैं। अगर पराग मात्र कोशिका दे रखी है और पराकण पूछा है तो चार से गुणा करो, अगर लघु बीजाणु दे रखे हैं अर्धसूत्री विभाजन निकलवाना है तो चार से आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आएगा 112 में चार का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 28, ऑप्शन बी, ठीक है, सेकंड वाला। तो आप मुझे बताइएगा, चार हमने आप लोगों के सामने किए हैं ऑब्जेक्टिव, आपके चार में से कौन सा ऑब्जेक्टिव सही गया है, कौन सा गलत गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में, जितने भी मेरे आरए फैमिली के हैं या फिर जो अरस्तु फैमिली से हैं, जो मुझे जानते हैं पहचानते हैं कि आकाश सर हैं, उन्होंने ये पढ़ाते हैं, जो भी जानते हैं मुझे बताना जरूर, जिससे मैं पता कर सकूंगी मेरे बच्चे क्या करके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, कहाँ गए हमारे क्वेश्चंस, हाँ जी, हम बात करते हैं अति लघु की बात कर लेते हैं, ठीक है। अति लघु की बात करते हैं, कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम बताइए, तो आप बताएंगे एक तो अंजीर बता दो, एक बता दो साल्विनिया। जब मैंने क्लास में आप लोगों को मॉडल सॉल्व करवाए थे तब ये मैंने समझाया था। यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए दो नियमों का उल्लेख कीजिए, भाई एसटीडी रोग, एसटीडी वाले जो रोग हैं उनको रोकना है, कैसे रोकोगे, बता रखा है मैंने, ठीक है। कंडोम वगैरह याद है या नहीं, बता रखा है। अगला है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तुम्हें ये ना पता कि तुम्हारे अंदर गुणसूत्र कितने हैं, तो भाई बेटा बायोलॉजी पढ़ना फिर छोड़ दो, जिसको ये ना पता कि तुम में कितने गुणसूत्र हैं, फिर क्या फायदा है ऐसी बायोलॉजी पढ़ने से कि तुम्हें इतना भी ना पता हो, 46 होते हैं, ध्यान रखना। अगला है परजीविता द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए, मलेरिया परजीवी हो जाएगा जिसमें प्लाज्मोडियम आ जाता है, दूसरा हो जाएगा आपका याद करो एंटमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी जो हमारे आंत में होता है और जिससे पेचिस बीमारी होती है, ठीक है। घर पर नहीं हूँ, दूसरे के घर पर हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, पंखा भी नहीं है यहाँ पर लेकिन फिर भी बना रहा हूँ, वो क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्यूशन लेकर ये थोड़ा तसल्ली हो सके, आप पहचान कर सकें आपके कितने में से कितने आ सकते हैं, थोड़ा आइडिया लग सके, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के दो उद्देश्य लिखिए, भाई ये उद्देश्य होते हैं कि हम जीवधारियों को पेड़ पौधों को संरक्षित कर सकें, जिससे कि हमारे जो पर्यावरण है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। स्वस्थान है, वही स्थान है, बहुत सारे हमने करा रखे हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, ये हमारे हो चुके हैं कीटों वाला हो मैंने पढ़ा दिया आपको, अगला कौन सा है, अगला एक तो एक बच्चे ने भेजे हैं लेकिन क्रम वाइज नहीं भेजे मेरे पास, चलो मैं केवल क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है
जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। एक ये क्वेश्चन है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है आपको। अगला है, आवर्तबीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद का विकास का सचित्र वर्णन करो। इसमें अंकुरित परागकण का मतलब सचित्र वर्णन करना है और परागकण के बारे में आपको बताना है डिटेल में। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो तभी मैं आपको बता देता हूँ। नर युग्मकोद्भिद का मतलब परागकण से है। ये छठे का पहला है, ठीक है, ये क्रम में नहीं है इसलिए थोड़ा आप आगे पीछे हो सकते हैं, आप देख लेना। छठे का पहला है वर्णांधता। तो वर्णांधता वही है लाल हरा अंधापन जो हम बोला करते हैं, ठीक है, लैंगडन डाउनडेस की जो खोज की थी, ठीक है, नहीं वर्णांधता, हाँ ये दूसरा है, वो तो डाउन सिंड्रोम था, लैंगडन डाउनडेस की थी। वर्णांधता लाल हरा अंधापन है, इसको रेलवे वाले व्यक्ति में इसमें जॉब नहीं मिलती, वो वाला है ये। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण जेड 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 डब्ल्यू, ये किसका हो जाएगा, जे जे डे डब्ल्यू, ये तो उसका हो जाएगा पक्षी का, मधुमक्खी का मैंने, हाँ मधुमक्खी का मैंने पढ़ा रखा है। इसमें जो अनिषेचित अंडाणु होता है उससे तो नर मधुमक्खियाँ बनती हैं, और जो निषेचित अंडाणु होता है उससे रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियाँ बनती हैं, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट पता ही होगा, याद करो वो वाला जो ऐसी उसमें आता है, सीबीआई में आता है, दया इसमें तो कुछ है बताता है ना, वही वाला डीएनए फिंगरप्रिंट बहुत यूज करते हैं वो लोग। अगला है, अनुवांशिक विकार कैसे कहते हैं, मतलब ऐसी बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, या ऐसी बीमारी जो जन्मजात होती है अनुवांशिक रोग कहलाते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन करो संक्षेप में। तो या तो वर्णांधता बता दो, चाहे हीमोफीलिया बता दो, चाहे डाउन सिंड्रोम बताओ, क्लाइनेफेल्ट सिंड्रोम बताओ, अब बहुत सारे हैं भाई। अगला है, पांचवे का आवर्तबीजी पौधे के ऑटोट्रोपस बीजांड का लंबत काट का चित्र बनाओ। बीजांड बताओ, बीजांड के बारे में लिख दो, पढ़ा रखा है। अगला, सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, सहजीविता है, सहजीविता, इसमें दो जातियां होती हैं और दोनों जाति एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है। जैसे लाइकेन में कवक और शैवाल होते हैं, कवक शैवाल को फायदा पहुंचाता है, शैवाल कवक को फायदा पहुंचाता है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इसको बोलते हैं हम सहजीवन, ठीक है ना, पता रखा है मैंने क्लास में। अगला है, दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में भूमिका, ये वही वाला है। लेग्युमिनोसी कुल की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, पढ़ा रखा है, ध्यान से सुन लेना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और पौधे में, जिससे कि उर्वरता मतलब पौधे की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है और हमें खाद लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है, वासेक्टोमी, इसने तो वही पुरुष का ही क्या करवा दिया, सत्यानाश का मतलब, इसमें वासेक्टोमी में पुरुष की नसबंदी होती है, ठीक है, महिला में नसबंदी हो तो ट्यूबेक्टोमी, और पुरुष में हो तो वासेक्टोमी, शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देते हैं डॉक्टर्स लोग, हो गया काम खत्म। सिद्ध कीजिए, अगला है चौथे का सिद्ध कीजिए कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। हाँ जी भाई, सिद्ध कर दो, हर्षे और चेस ने सिद्ध किया है, हैं? और एक और बताया था मैंने आपको, चूहा वाला, चूहा में सुई लगाए थे मर जाता था, स्ट्रेप्टोकोकस वाला, ठीक है, वो भी मैंने पढ़ा रखा है। अगला है, उत्परिवर्तन से, इसमें पहले मैं बता रहा था तुम्हें, दात्र कोष का रक्तता वाला मैंने एग्जाम्पल कराया था, मैंने बताया था जब एक किसी नाइट्रोजन क्षारक में परिवर्तन आ जाए तो पूरे डीएनए में परिवर्तन आ जाता है, बता रखा है। आरएनए, बायोलॉजी पढ़ी, डीएनए आरएनए नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा फिर आप लोगों ने, पढ़ा रखा है मैंने। बीज एवं फल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए, क्या आप लोगों को नहीं पता कि अगर पौधे पर बीज ना आए, फल ना आए तो कितना नुकसान है। जो भी आप दालें खाते हो क्या होती हैं, बीज ही तो होते हैं, मटर खाइए बीज ही तो है, मूंगफली खाइए बीज ही तो है, बादाम खाते हो बीज ही तो है, अगर पौधे पर बीज ना आए तो क्या नुकसान होगा, मतलब महत्व बताने हैं, ठीक है, क्या फायदा होते हैं, और बीज से ही नए पौधे का जन्म होता है, ठीक है, फल के बारे में जानते होंगे। अगला है, बायोपायरेसी और पेटेंट के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जब हमारे देश की प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल करती है, उनका क्षतिपूर्वक भुगतान भी नहीं करती, बायोपायरेसी कहलाता है, पता रखा है। बायोपेटेंट, बासमती चावल का अमेरिकी सरकार ने अपना पेटेंट करा लिया टेक्समती नाम से, मैंने पढ़ा रखा है। बायोटेक्नोलॉजी में हर एक चीज पढ़ाई है मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा। अगला है, बख्शी और बख्श को परिभाषित कीजिए। बख्शी वो होगा जो दूसरे को मारेगा, और बख्श होगा जो खाया जाएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल शेर और हिरण का एग्जाम्पल। अगला है, शाकाहारिता, शाकाहारिता कौन नहीं जानता, जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो शाकाहारी प्राणी होते हैं, उनके बारे में बताना है आपको। सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लास में मैंने बताया था लास्ट टाइम में भी, सहभोजिता भाई वो होती है क्या, वो कि आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आम के पेड़ को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, लेकिन आर्किड के पौधे को रहने के लिए स्थान मिल जाता है, उसे सहभोजिता कहते हैं। ये सहभोजिता का बेस्ट एग्जांपल होता है।
अनुकूलन कैसे कहते हैं, अनुकूलन मैंने लास्ट टाइम में बताया था, और ग्रुप में चेक करना, ग्रुप में मैंने इसके क्वेश्चंस भी सेंड किए। शुक्राणु का चित्र बनाइए, तो मानव का शुक्राणु मैंने आप लोगों को बनवा रखा है, चम्मच जैसी संरचना बना दो, बताई थी ना बनाइए, रॉकेट उड़ा दो, हो गया आपका काम खत्म। अगला है मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाओ। ग्रेगर जॉन मेंडल के जो नियम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीन नियम है, मैंने बताया तीन में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, तो प्रभाविता का पहला जो नियम है वो इसमें पूछ लिया गया है। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन रह गया आपका, लास्ट वाले क्वेश्चन रह गए होंगे जहां तक है ना, देखते हैं। अगला है आठवें का, देख लीजिए, पारिस्थितिक अनुकूलन कैसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण में अनुकूलित हैं। आपको मैंने नागफनी वाला बताया था कि नागफनी की जो त्वचा है वो मोटी होती है, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, बता रखा होगा, याद करो, जड़ें गहराई में होती हैं, इसका मोटा तना होता है जिनमें जल संचित होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम में बहुत बताई थी, और सीट लास्ट वाली जो है उसमें भी ये मैंने करा रखा है। और देखता हूँ कौन सा है, एलर्जी के बारे में बताना है टिप्पणी करोगे तो, और आपको स्तन ग्रंथि के बारे में बताना है, मुझे बताने की जरूरत है क्या स्तन ग्रंथि, बड़े डायग्राम भी तुम अच्छा खासा बना के आ सकते हो, है बना के आ सकते हो, नहीं बना सकते झूठ मत बोलना, उसके साथ साथ में तुम क्या काम कर सकते हो उसके बारे में लिख भी सकते हो, भाई मैंने क्लास में पढ़ा दिया तो है, और कितना पढ़ाऊं मैं। अगला है एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, मैंने स्पाइरुलिना बारे में बताया होगा कि 1 ग्राम स्पाइरुलिना खा लो 1 किलोग्राम सब्जी के बराबर पोषक तत्व होते हैं। आइए अगला क्या है, अगला है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण नहीं जानते आप क्या है, अरे पर्यावरण में ही तो जीवन भर हम रहते हैं, पर्यावरण के बारे में हमारे आसपास में जो बताऊं क्या, अरे रहने दो, पर्यावरण के बारे में सब बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं यार, बचपन से पर्यावरण पर निबंध लिखते आए हम। इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के लिए कुछ उपाय का उल्लेख करो, आप पर्यावरण को कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे स्वच्छ बना सकते हैं, अरे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के ऊपर हम निबंध नहीं लिख सकते क्या, पूरा निबंध लिख दो, छाप आओ इसको, दो 5 नंबर फ्री का मिला ये वाला, तुम्हें ये समझ लो कि बायोलॉजी में से नहीं है, जनरल नॉलेज के हिसाब से है। चलिए आपको बता दें, देखो हमारे पास बहुत से लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, एक हमारे पास खुशी कुमारी है, वो कह रही है कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अगली है खुशी, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उसके साथ साथ में साक्षी का आया है, साक्षी का बहुत अच्छा पेपर गया है, रूबी का एवरेज पेपर गया है, एक हमारे पास लड़का है आया था गर्व का बहुत अच्छा पेपर गया है, और एक लड़का और है ध्रुव लड़का है, ध्रुव का काफ़ी अच्छा पेपर हुआ है, वो तो मुझे पेपर दिखाने के लिए भी आया था, बहुत बढ़िया पेपर हुआ है वो उसका, ठीक है। और आपको बता देते हैं इसमें और कोई चीज़ तो नहीं रह गई भाई, हाँ भाई इसमें एक चीज़ रह गई थी हमारी, वो ये रही किन्हीं पर टिप्पणी करो, देखो ये भाई रह गई थी, एक तो रह गई बीटी पर, तो बीटी के बारे में तो बता रखा है कि बीटी बैसिलस थुरिंजिएसिस होता है, ये जीवाणु होता है, डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने। अगला है इंसुलिन के बारे में डिटेल में बता रखा है, इंसुलिन एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जिसकी कमी से डायबिटीज बीमारी हो जाती है, बता रखा है। जीन थेरेपी एडिनोसिन डी एमिनेस एंजाइम, 4 साल की लड़की की जो थी 1990 में हमने जीन थेरेपी की थी, ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है, ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं कि कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब मैं अपनी पर्सनल बात कर लूँ कुछ, ये तो हमारा हुआ पेपर सारे मैंने सॉल्व करा दिए, ठीक है। बहुत गर्मी है दूसरे के घर में भाई, बड़ी हालत ख़राब है। चलो अब मैं काम की बात कर लेता हूँ, वो काम की बात ये है कि लास्ट टाइम में देखो मैंने जो 3-3 घंटे की क्लास ली थी, अपने सामने प्रैक्टिस करवाई थी, मॉडल भी सॉल्व करवाए थे, अपनी जो वीडियो है क्लास में बैठकर वो भी मैंने दिखवाई थी, उनका बहुत फ़ायदा मिला होगा। और जो हमारे ग्रुप हैं, जो बच्चे मेरे पास नहीं आ पाए हैं किसी भी कारण बस, तो मैं उनसे ये बोलूँगा कि पहली बात आप हमारी बात को माना करो, सीरियसली लिया करो, और जो भी मैंने आपको बोला था कि लास्ट में वीडियोस देख के जाना, तो लास्ट वाली जो पर्यावरण वाली जो वीडियो है उससे बहुत फ़ायदा, जैसे सहभोज्यता वाला है, सहजीविता वाला है, लास्ट वाली वीडियो में ऐसी तो आएंगे वाला क्वेश्चन, तो आप इन्हें देख कर जाया करो, क्योंकि ये आप लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, आप लोगों के लिए मैं करता हूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या काम करो, जैसा पेपर हो गया आप उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, आगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें आप लोगों को लग जाना है, और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, जैसा भी आपका एग्जाम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, तो आने वाले जो एग्जाम है उन्हें और अच्छे करने की कोशिश करो, और किसी का मान लो 19-20 पेपर हो गया है तो आप टेंशन नहीं लेनी, आने वाले टाइम में
आपके जो रह गए हैं अब आपको उन पर मेहनत करनी है, क्योंकि जो बीत गया है उस पर तो हम आप कुछ नहीं कर सकते, जो आएगा उसको हम देखेंगे अब हमें क्या करना है। तो आपको बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट नेक्स्ट जो आने वाले एग्जाम है आप लोगों के लिए। जैसा आपका एग्जाम हुआ बहुत अच्छी बात है। आप अपने रोल नंबर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका पेपर कैसा हुआ, आपका आपने देखा कि पूरा एनालिसिस करने के बाद, पूरा एनालिटिक करने के बाद आप कितने नंबर का एवरेज लगभग करके आए हो, या आप कितने नंबर ला सकते हो अपने एग्जाम में, ये सभी चीजें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपने वीडियो लास्ट तक हमारे देखना, आने वाले मेरे समय में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, स्टडी से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड या फिर ट्रेंडिंग से रिलेटेड, आप हमसे जुड़े रहिएगा। हम आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले और भी जो एग्जाम है आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आए, और जो हुआ बहुत अच्छा होता है, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।